हे गाइस, फ्यूचर सीरीज की एपिसोड 29 में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे क्रिकेट इन हांगकांग के बारे में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हांगकांग क्रिकेट को जानने से पहले फर्स्ट आपको ये जानना होगा, क्या हांगकांग एक कंट्री है या फिर हांगकांग एक टेरिटरी है चाइना की? तो देखो, ये सवाल आपको जरूर जानना होगा इस वीडियो को देखने से पहले। देखो, पहले के टाइम में ना ब्रिटिश एंड चाइना के बीच में बहुत ही ज्यादा ट्रेड हुआ करता था। ये बात बहुत साल पहले की है, हमारी इंडिपेंडेंस से भी बहुत पहले की बात है। तब के टाइम में ना गाइस चाइना एंड ब्रिटेन के बीच में ट्रेड होता था, एंड तब के टाइम ब्रिटेन ना चाइना को जो ओपियम है वो सप्लाई करते थे। बट ये जो चीज था ना, वो चाइना के जो प्रिंस है उनको पसंद बिल्कुल भी नहीं था, एंड चाइना की जो प्रिंस है वो ओपियम को जला भी दिया था। देन इसके बाद जाकर ना गाइस फर्स्ट हमें ओपियम वॉर देखने को मिलता है, एंड इस ओपियम वॉर को ना गाइस ब्रिटेन ने आसानी से जीत जाते हैं, एंड कुछ हिस्सा चाइना को वो ब्रिटेन को देना पड़ता है। देन इसके बाद अगेन सेकेंड ओपियम वॉर भी होता है, एंड ये ओपियम वॉर भी ना गाइस चाइना हार जाता है, एंड अगेन कुछ हिस्सा ब्रिटेन को देना पड़ता है। देन जाकर जो आज के दिन मॉडर्न हांगकांग है ना, मॉडर्न हांगकांग का निर्माण भी होता है। शुरुआत के दिनों में ना गाइस हांगकांग एक ब्रिटिश डिपेंडेंसीज टेरिटरी था। आई मीन हांगकांग को ना गाइस और जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन रूल करते थे। बट ईयर 1997 में जब ब्रिटेन ने हांगकांग का जो हैंडओवर है वो चाइना को देकर चला गया था, देन इसके बाद से चाइना ने ना गाइस 50 ईयर तक वादा किया कि वो हांगकांग को एज ए कंट्री ही रहने देंगे। बट 2047 के बाद ना जब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, तो इट इज मीन्स दैट कि जो हांगकांग एक कंट्री है ना, वो शायद ना भी रह सकते हैं फ्यूचर में 2047 के बाद से। सो दैट इज द फ्यूचर ऑफ हांगकांग। तो हम बात करते हैं क्रिकेट के बारे में। तो ऑब्वियसली जिस कंट्रीज से ब्रिटिशर्स होंगे तो क्रिकेट तो जरूर होंगे ना। तो हांगकांग में भी क्रिकेट का इंट्रोड्यूस हुआ था ड्यूरिंग द फर्स्ट ओपियम वॉर के टाइम में, ईयर 1839 में। देन इसके 10 ईयर्स लेटर ही हांगकांग में फर्स्ट क्रिकेट क्लब का भी एस्टेब्लिश हुआ था। एंड उस टाइम में भी देखोगे आप जाकर, तो उस टाइम में हांगकांग की जो टीम है वो तेजी से ग्रो कर रहा था। बट ईयर 1892 में जब उनकी 114 प्लेयर्स था शिप से आ रहे थे, तो तब एक टाइफून के चलते ना गाइस 125 प्लेयर्स ने अपनी जान को गंवाना पड़ा। देन दिस इज द वेरी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट कि इसके बाद ना गाइस जो हांगकांग क्रिकेट है ना वो इतना तेजी से ग्रो नहीं हुआ। उनके जो बेस्ट प्लेयर्स थे ना गाइस, करीबन 125 प्लेयर्स वो टाइफून के चलते वो आपकी जान को गंवाना पड़ा। ओनली 23 ही सर्वाइवर्स थे। देन इसके बाद ना गाइस ईयर 1903 में डोमेस्टिक क्रिकेट लीग का भी एस्टेब्लिश हुआ था हांगकांग में। यस, बहुत साल पहले हुआ था। देन इसके बाद से देखो हांगकांग क्रिकेट इतना ज्यादा ग्रो नहीं हुआ बिकॉज ऑफ दिस रीजन की वजह से। देन ईयर 1969 में ना जाकर ना गाइस उनको एसोसिएट मेंबरशिप भी मिल जाता है। देन ईयर 1982 में दे प्लेड देयर फर्स्ट अपीयरेंस इन आईसीसी ट्रॉफी। तब हांगकांग टीम भी धीरे धीरे ग्रो कर रहे थे, मतलब स्लोली इम्प्रूव कर रहे थे। अगेन थोड़ा इम्प्रूव आ रहा था। 2004 में ना गाइस उन्होंने एशिया कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया था। देन 2013 आता है उनके लिए गोल्डन चांस, जब वो ना गाइस T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स में 6th पोजीशन फिनिश करता है, एंड इनिशियली वो क्वालिफाई कर लेता है 2014 के T20 वर्ल्ड कप के लिए। एंड इसी वर्ल्ड कप में ना गाइस हांगकांग ने जो होस्ट था बांग्लादेश, उनको भी अपसेट किया था, जो बहुत एक बड़ा अपसेट है। देन ईयर 2014 में ही ना गाइस अगेन उनको ODI स्टेटस को भी मिल गया था। ऑल्सो हांगकांग ने 2018 में ना गाइस जो फर्स्ट ODI विन था इसी फुल मेंबर के अगेंस्ट, उन्होंने अफगानिस्तान को हराया था। एंड ऑल्सो जो 2018 में जो एशिया कप हुआ था ना, इस पे हांगकांग ने ऑलमोस्ट इंडिया को अपसेट कर दिया था। सो दिस इज द टोटल हिस्ट्री ऑफ हांगकांग क्रिकेट। देन हम बात करते हैं व्हाई क्रिकेट नॉट पॉपुलर इन हांगकांग। देखो, इतना ज्यादा रिच हिस्ट्री के होने के बावजूद भी व्हाई क्रिकेट नॉट कैच अप इन हांगकांग, हांगकांग में पॉपुलर क्रिकेट क्यों नहीं हुआ इतना ज्यादा रिच हिस्ट्री होने के बाद, इतने पहले से क्रिकेट खेलने के बाद। तो फर्स्ट रीजन तो मैंने बताया था, वो टाइफून के चलते ना गाइस उनकी मेन प्लेयर्स को जान को गंवाना पड़ा। देन ये तो एक रीजन है, बट इसके बाद भी उनकी टीम इतना ग्रो क्यों नहीं हुआ? तो ऐसा नहीं है कि उनकी बोर्ड ने कुछ नहीं किया। उन्होंने ईयर 1992 में हांगकांग क्रिकेट सिक्सेस का भी उन्होंने उसका आयोजित किया था, एक सिक्सेस साइड क्रिकेट का उन्होंने आयोजित किया था। देन 2017 तक, यस 1992 से लेकर 2017 तक उन्होंने इस टूर्नामेंट को रन किया था हांगकांग क्रिकेट सिक्सेस। बट 2017 के बाद से उनको
ये भी जो टूर्नामेंट है इसको भी मतलब रद्द करना पड़ा बिकॉज ऑफ स्पॉन्सरशिप, बिकॉज ऑफ ये टूर्नामेंट अच्छे से चल नहीं रहे थे। देन हांगकांग ने T20 ब्लिट्स के ऊपर भी काम अपने किया था। यस, हांगकांग में भी एक डोमेस्टिक लीग होता था, T20 लीग होता था। इसमें भी ना गाइस जो हांगकांग क्रिकेट है वो भी फेल्ड हो चुके थे, बिकॉज इसके पीछे रीजन जो है ना, हांगकांग में कभी भी जो क्रिकेट का जो एक मार्केट है वो इस्टेब्लिश ही नहीं हुआ। तो मेन थिंग्स है जितना लोकल्स एडॉप्ट करेंगे इतना ही पॉपुलर होंगे स्पोर्ट। पर स्टार्टिंग की डेज में हांगकांग में इतना ज़्यादा कंडीशन खराब नहीं थे, लोग अवेयर थे क्रिकेट के बारे में, ज़्यादा हमें एक्सपेटरेट पॉपुलेशन देखने को मिलता था हांगकांग में। बट आफ्टर जब ब्रिटेन ने इस रीजन को ना चाइना को हैंड ओवर किया, तो इस रीजन में चाइना के इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होने लगा था। एंड नाउ दैट टाइम देखो हांगकांग की पॉपुलेशन की ना गाइस 94% पॉपुलेशन चाइनीज पॉपुलेशन ही है। तो क्रिकेट ओनली जो 6 पॉपुलेशन है ना, 6-10 पॉपुलेशन है, इनमें ही ओनली रिलेवेंट है गाइस, एंड दैट्स अ बिग थिंग। एंड जिसकी वजह से ना गाइस जो मार्केट है वो कभी भी नहीं भरा। एंड जो क्रिकेट भी है ना 2014-16 के टाइम में थोड़ा तो ग्रो आया था, बट नाउ सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा खराब है हांगकांग में। आज के दिन देखो बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस वो भी क्रिकेट को पीछे छोड़कर टॉप में पहुंच चुका है। आई नो अभी भी क्रिकेट टॉप 5 में पॉपुलर स्पोर्ट है, बट पहले ना गाइस क्रिकेट इधर सेकेंड मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट भी था आफ्टर फुटबॉल के बाद। बट ये भी सिचुएशन चेंज हो चुका है एंड बाकी स्पोर्ट्स भी ना धीरे धीरे कैचअप जरूर करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं करंट स्टेज के बारे में, मतलब करंट स्टेज के बारे में अगर बात करेंगे ना गाइस, सो देखो अभी तक हांगकांग ने टोटल 80 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेला है, जिसमें से उन्होंने 55 विन किया है एंड 44 लॉस किया है। उनकी रैंकिंग है 21st पर, अभी तक उनकी वर्ल्ड रैंकिंग है। 2015 की टाइम में ना गाइस उनकी रैंकिंग 11 पोजीशन पर भी था। उनके पास अभी करंटली बात करें तो देखो एक ICC स्टैंडर्ड स्टेडियम है जिनका नाम है मिशन रोड ग्राउंड, जिसका कैपेसिटी है 35,000। इसके साथ साथ भी और 7 वेन्यूज भी है जो मतलब ICC स्टैंडर्ड तो नहीं है, थोड़ा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम है, थोड़ा प्रैक्टिस करने के स्टेडियम से। नाउ द करंट सिनेरियो गाइस, उनकी जो मेंस टीम है, मेंस टीम में हमें एक भी नेटिव प्लेयर देखने को नहीं मिलते। उनकी वुमेन्स टीम में हमें नेटिव प्लेयर देखने को मिलता है, बट मेंस टीम में ये बात है। ऑल्सो फ्यूचर में देखो हमें जो हांगकांग टीम है वो ACC T20 प्रीमियर कप में देखने को मिलेगा, जो हेल्ड होगा 2024 में। तो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ क्रिकेट इन हांगकांग करंट टाइम में ना गाइस, यूथ डेवलपमेंट भी कर रहा है गाइस जो हांगकांग क्रिकेट बोर्ड है। मैं बिल्कुल डिनाइ नहीं करूंगा हांगकांग क्रिकेट बोर्ड ना बहुत ही मतलब हार्ड वर्क तो कर रहा है, बट कुछ भी ना उनकी पॉजिटिव्स नहीं आ रहा है, मतलब कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। अभी के टाइम में ना गाइस जो क्लब क्रिकेट है, क्लब क्रिकेट भी हांगकांग में होता है। करंटली 50 प्राइमरी स्कूल, 30 सेकेंडरी स्कूल एंड 8 यूनिवर्सिटीज में क्रिकेट एक पार्ट भी है एंड इधर भी एक लीग कॉम्पिटिशन भी होता है। ऑल्सो क्रिकेट हांगकांग ने 2020-2021 के बीच में लगा इस क्रिकेट की कम्युनिटी सीरीज एक बनाया था, जो एक बहुत ही ज़्यादा न्यू कॉन्सेप्ट था। बट ये भी ना जो COVID-19 की वजह से वो भी जो डेवलपमेंट, वो भी जो प्रोग्राम है वो भी उन्होंने नहीं कर पाया। आई मीन इस प्रोग्राम का मकसद ही था जो क्रिकेट की कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए। हांगकांग ने ना गाइस, हांगकांग बोर्ड ने कोशिश तो बहुत ही किया था क्रिकेट को पॉपुलर बनाने के लिए, बट ज़्यादा पॉजिटिव से नहीं आ रहा है। आई थिंक हांगकांग को ना जो स्कूल कॉलेजेस में जो चिल्ड्रन है ना, उन चिल्ड्रन के बीच में ना गाइस इंकरेज करना चाहिए क्रिकेट को खेलने के लिए, क्रिकेट को आगे आकर देखने के लिए। कुछ गिफ्ट्स वो लोग चिल्ड्रन के लिए रख सकते हैं, कुछ मतलब जो मैचेस होता है ना हांगकांग जो मैचेस खेलते हैं वो मैचेस को ना गाइस एवरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल को ना इन्वाइट करना चाहिए कि वो आकर मैचेस को देखे, स्टेडियम पर आके मैचेस को देखे, देन जाकर उनके बीच में क्यूरियोसिटी जगेगा। एंड ऑल्सो अगर उन बच्चों को कुछ गिफ्ट भी देंगे ना गाइस तो बहुत ही बच्चों इसको अडॉप्ट जरूर करेंगे। 2023 में ना गाइस ICC ने भी ना गाइस हांगकांग को डेवलपमेंट इनिशिएटिव का अवार्ड भी दिया था एंड दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। बट ये टीम तभी हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा जब उनकी लोकल समय इस गेम में अट्रैक्ट होते हुए देखने को मिलेगा। ऑल्सो उनकी U19 टीम जो है ना वो भी हमें रेगुलर बेसिस पे वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट करते हुए देखने को मिलेगा। एंड ICC भी देखो जो U19 स्टेज है एंड एसोसिएट नेशन के ऊपर ना कुछ ऐसा प्रोग्राम लगना चाहिए कि डेवलपमेंट प्रोग्राम से देखो कुछ हद तक मदद मिलेंगे, बट इट इज़ नॉट अ मतलब परमानेंट सॉल्यूशन। और भी तरीके से कुछ न्यू तरीके से लगा कुछ प्रोग्राम रन करना चाहिए, देन जाकर ये टीम जो है ना वो एटलीस्ट मतलब रिलेवेंट तो रहेंगे। मे बी उन टीम को सपोर्ट ना मिले बट वर्ल्ड स्टेज में एक टीम बन के तो रहेंगे। अदरवाइज ये टीम का हाल भी जो बाकी टीम्स के साथ हुआ है ना गाइस ऐसा होने की चांसेस सबसे ज़्यादा है। सो गाइस कैसा लगा आज की वीडियो, आप क्या सोचते हो हांगकांग क्रिकेट के बारे में, तो प्लीज़ नीचे कमेंट में बताना। हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय।